तकरीबन 430 से ज़्यादा नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। सोनिया, राहुल, प्रियंका सभी यहाँ मौजूद हैं। एक सवाल ज़रूर उठ रहा है कि गुजरात से आने वाले हार्दिक पटेल यहाँ क्यों नहीं है। हालांकि पार्टी की ओर से कहा गया है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश के, और कार्यकारी अध्यक्ष को सबको नहीं बुलाया गया है। लेकिन एक बात ये भी है कि कई ऐसे लोग जो क्राइटेरिया में नहीं आते लेकिन उनको विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया गया, जैसे जनार्दन द्विवेदी। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी। अहम बात है क्योंकि गुजरात और हिमाचल में इस साल चुनाव होना है, तो गुजरात और हिमाचल को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, बात करने के लिए हम राजू जी से पूछते हैं। राजू जी, आप उस राज्य के प्रभारी हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त में चिंतन शिविर होने जा रहा है, कितना इम्पैक्ट वहाँ दिखाई पड़ेगा? देखिए, काफ़ी इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये चिंतन शिविर ऐसा है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैसले होने वाले हैं। ये चिंतन शिविर ऐसा नहीं कि जैसे कोई सम्मेलन हो गया और प्रस्ताव पास हो गया और ख़त्म हो गया। यहाँ पार्टी को लेकर बहुत मजबूत और बहुत ही जो है अप्रत्याशित फैसले होंगे जिनको लागू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन प्लान भी तैयार हो रहा है। तो सारे लोगों के सुझाव लेके परसों कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। वर्किंग कमेटी में अप्रूव होने के बाद उनकी घोषणा की जाएगी। तो उसमें तमाम सुझाव लोगों के आ रहे हैं, उन तमाम सुझावों पर विचार विमर्श करके जो है और ये निर्णय लिए जाएंगे। सर, जो बड़े फैसले दिखाई पड़ रहे हैं, जो आज कहा गया कि 50% से ज़्यादा जो युवा हैं उनको जगह दी जाए, एक परिवार से एक टिकट दिया जाए, गांधी परिवार से सोनिया, राहुल, प्रियंका तीनों हैं, तो ये सारी चीज़ें कितनी ज़मीन पर उतार पाएंगे आप लोग? ये सुझाव हैं, सुझाव आए हैं कि एक परिवार से एक टिकट होना चाहिए, ये सुझाव आए हैं कि युवाओं को टिकट देना चाहिए, 50 महिलाओं को टिकट देना चाहिए, संगठन में 50% जगह युवाओं को संगठन के लिए, इस तरह के सुझाव आए हैं। तो इन सुझावों पे जो है अभी ये 2 दिन विचार विमर्श होगा, फिर वो वर्किंग कमेटी में जाएंगे, फिर वर्किंग कमेटी उनको अप्रूव करेगी, तभी ये सब चीज़ें। काफ़ी सवाल, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में उसने सरकार बनाई, अब गुजरात में और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा दिख रहा है आप लोग? हिमाचल में तो मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, हिमाचल में उनका कोई असर नहीं हो रहा। हिमाचल में हमारा सीधी टक्कर भाजपा से होगी और भाजपा की जो गुजरात में सर, और गुजरात का मुझे इतना पता नहीं, गुजरात में भी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी कांग्रेस और भाजपा का ही लोट चुनाव है। हार्दिक नाराज है क्या? नहीं, नाराज होने कोई सवाल नहीं है। एक क्राइटेरिया में उसमें कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, हमारे हिमाचल के भी कार्यकारी अध्यक्ष नहीं आए। नरेश पटेल से कितना संपर्क, बहुत दिन से कहा जा रहा है चल रहा है? मुझे वहाँ की जानकारी नहीं, मैं वहाँ का प्रभारी नहीं हूँ, जो वहाँ के लोग वही बता सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव शुक्ला।